नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने न्यूज़ चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ में। देश विदेश से जुड़ी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ विनती करना चाहूँगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना। आज बड़ी खबर है ये पेंटिंग प्रोफाइल वालों के लिए। 5 बड़ी कंपनीज आप लोगों को बताऊँगा, 5 बड़ी कंपनीज जहाँ पर पेंटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। इससे पहले कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह जाकर हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपसे वंचित ना रह जाए, आपके मोबाइल में इन्फॉर्मेशन जरूर आए। और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए भी आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लो। बात करेंगे दोस्तों पेंटर्स की। बहुत समय से मेरे पास लोगों की रिक्वेस्ट आ रही कि सर, हम पेंटर हैं, क्या हमारे लिए प्रोफाइल होगी, क्या हमारा कहीं जाने का मकसद, हम किस कंट्री में जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कनाडा हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या कोर्सेज करके हम लोग जा सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। क्योंकि सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, किस किस कंट्री में पेंटर की डिमांड है और कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, पेंटर होता क्या है, पता सबको है। आम अपने घरों में जब आप मकान बनाते हैं, उसके बाद आप अपनी दीवारों को रंग रोगन करवाते हैं, इसी रंग रोगन वाले करने वाले व्यक्ति को पेंटर भी कहा जाता है। और आजकल कई तरह के पेंट्स किए जाते हैं, जैसे अर्कालिक पेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर मैं बात करूँ ऑयल पेस्टिंग, ये भी बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है, अलग अलग डिज़ाइंस। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर जो है, मेरा जो कमरा है, वो बहुत ही बढ़िया लगे। तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन आ गए, 3D पेंटिंग तक आ चुकी है वॉल पर, कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप सच में किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं, वो हैरान हो जाते हैं। तो इतनी बढ़िया अद्भुत कलाकारी, तो ऐसे अगर कलाकारी से आप लोग ज्ञानी हैं, ऐसे स्किल्स अगर आपके पास हैं, तो ये सही मौका है आप लोगों के लिए अप्लाई करने का, विदेश जाकर सेटलमेंट होने का ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्री में पेंटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। वैसे तो सभी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में पेंटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ शेंगेन की बात करूँगा। शेंगेन कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ पेंटर्स की, जहाँ पे 3D वॉल पेंटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, या एर्केलिक पेंटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, ऑयल पेस्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, 3D डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, वो है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और इसमें लास्ट में एक कंट्री जो है वो है अपनी स्विट्ज़रलैंड। इन कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अलग अलग डिज़ाइन को, क्योंकि जर्मनी जो है वो खासकर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रखता है, अपनी दीवारों पर पेंटिंग कराने के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और इसके साथ मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर जो पेंटर्स की सैलरी है कितना एवरेज चल रहा है यूरोप में, शेंगेन में। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, शेंगेन में पेंटर्स का क्या सैलरी रहता है। मिनिमम जो सैलरी चल रहा है 950 यूरो मिनिमम चलता है, मैक्सिमम ये जाता है आपका 2000 या 2500 यूरो तक। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपके स्किल्स हैं और किस लेवल पर आप काम करें। सुपरवाइजर लेवल की सैलरी और ज़्यादा है, हेल्पर पे जाते हो तो सैलरी थोड़ा कम मिलता है। बहुत सारी कंपनीज एकोमोडेशन भी देती हैं और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी देती हैं, कई एम्प्लॉयर्स को टिकट भी देते हैं, परंतु आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं होनी चाहिए इसमें। और अगर किसी के पास डिप्लोमा है पेंटिंग का, पेंटिंग टेक्नोलॉजी का, उसके लिए तो और भी बेस्ट ऑप्शन है, वो तो बहुत जल्दी जा सकता है, प्रेफर कर सकता है। कौन कौन सी कंट्री से लोग अप्लाई कर सकते हैं बता दूँ आपको, अगर आप दुबई में बैठे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दुबई में मैसन का काम करते हैं, बहुत सारे लोग दुबई में काम कर रहे हैं पेंटिंग का, वॉल पेंटिंग का, अगर मैं बात करूं डिज़ाइनिंग का, रंग रोगन का, हेल्पर का। सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई करना जिसके पास कुछ स्किल्स हैं, ऐसा नहीं कि सर मैं IT इंजीनियर हूं और मुझे आप पेंटर बना के भेज दीजिए, ऐसी प्रोफाइल का कभी नहीं होता। सीधा क्लियर बता दूँ, जीरो हो जाएगा आपका काम। दूसरा दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूँ 5 बड़ी कंपनीज जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं और पेंटिंग के मामले में बहुत बड़े लेवल पर ये लोग हायरिंग करते हैं और कर भी रहे हैं। पहली है दोस्तों एक्जो नोबल, AKZO एक्जो NOBEL, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग टेक्नोलॉजी में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये जो है कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है और इसका नाम पूरे पूरे वर्ल्ड में चलता है। दूसरा है निपोन पेंट, NIPPON, निपोन पेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करता है पेंट की और अलग अलग डिज़ाइन, हज़ारों तरह के डिज़ाइन इसने निकाल दिए कि आप गिनती करते जाओ कि कौन सा डिज़ाइन कराएं, कौन सा ना करवाएं। तो ऐसी ऐसी डिज़ाइन इन लोगों ने निकाल दिए, ऐसे ऐसे पेंट इन लोगों ने लॉन्च कर दिए टेक्नोलॉजी के साथ, कि आज के समय पे दीवार पर आप पानी भी फेंक दे तो वो गीली नहीं होती दीवार, या फिर वाटर प्रूफ
पेंटिंग भी होती है, वो लोग भी इस कंपनी ने डिज़ाइन किया सबसे पहले निकॉन ने, और इसलिए इसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है और इसकी क्वालिटी को बहुत लोग पसंद करते हैं, इसलिए ये ब्रांड बन चुका है। पीपीजी पेंट्स जो है बहुत बड़ी कंपनी है, 1883 में ये कंपनी लॉन्च हुई, अंग्रेजों के ज़माने से ये कंपनी चल रही है और इसका प्रभुत्व मार्केट में बहुत बड़ा है। तो अगर आप में पेंटिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो आप भी इस फील्ड में जा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हो, सेटलमेंट के बहुत बड़े ऑप्शन हैं। ग्लोबल सप्लायर्स, ये भी पेंट की कंपनी है, पेंट के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, सप्लाई करता है, डिलीवर करता है और कारीगर भी देता है आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर। पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं और बड़े लेवल पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर कर आगे सप्लाई करता है। तो इन कंपनीज में अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है तो ज़िंदगी बदल जाएगी, सेटलमेंट के बहुत बड़े ऑप्शन हो जाएंगे, काम की कोई कमी नहीं रहेगी। आरपीएम इंटरनेशनल, ये 1947 में बनी थी कंपनी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और इस कंपनी का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। कंसाई पेंट, KANSAI कंसाई पेंट, ये भी बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्ट्स को आगे करती है, चाहे वो पेंट हो, डिस्टेम्पर हो, अगर मैं बोलूँ ऑयल पेंटिंग का काम, अलग अलग 3D डिज़ाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करती है कंपनी, और इसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। जिस कंपनी का नाम उसी का होता है जो काम सही करे, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे और जो सही प्रोडक्ट लॉन्च करे। अप्लाई कहाँ कहाँ से लोग कर सकते हैं सुन लो, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले, अरब कंट्रीज़ वाले और पाकिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि आपको कुछ इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते और आप कहो जी सर मुझे बना के भेज दो, नहीं होता दोस्त। एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन कैरी आउट करेगी, इंटरव्यू क्लियर करोगे तो ही जॉब मिलेगी, बिना इंटरव्यू के जॉब नहीं मिलती। प्रोसेस टाइम 5 से 6 महीना, हाईली डिमांडेड जो है माल्टा भी, अभी माल्टा में जो ओपनिंग्स आई हैं वो माल्टा के लिए, माल्टा कंस्ट्रक्शन हब है, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, लेबर, कंस्ट्रक्शन और पेंटर का काम तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि दीवार बना के वो उसको ऐसे छोड़ देगा, पेंट तो करवाएगा ही, बिना रंग रोगन के तो कमरा ही बेकार लगता है आज के टाइम पे, और समझ सकते हो आप किस प्रोफाइल की कितनी बड़ी डिमांड है। कनाडा में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, परंतु उसमें NOC कोड चाहिए होता है, स्किल्ड कैटेगरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बिना डिप्लोमा के नहीं कि 10वीं पास किया और सर जी मैं पेंटर के तौर पे कनाडा जाना चाहता हूँ, मेरा वर्क परमिट करवा दीजिए, नहीं होता, क्लियर बता दूँ आप लोगों को। सो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट के साथ बने रहो। जय हिंद, जय भारत।